बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कुछ करने वाले हैं नया। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में हमेशा माइनक्राफ्ट सीरीज या माइनक्राफ्ट वीडियो की बात करता हूं, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज का नाम है वंडरलैंड। तो इस सीरीज में हम एक वर्ल्ड बनाएंगे जिसका नाम हम वंडरलैंड रखेंगे। इसमें हम अपना हाउस ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे और उस हाउस को हम एक स्पेसिफिक जगह पे बनाएंगे। तो मैं इस सीरीज में एक बहुत ही वंडर सा विलेज बनाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं जल्दी से इस वर्ल्ड को क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट शो कर देता हूँ। उसके बाद मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट वाले ऑप्शन है मैं इन सबको ऑन कर देता हूँ। फ्यूचर में मैं इस वर्ल्ड में कभी भी कोई भी मोड लगा सकता हूँ, इसीलिए मैं इन एक्सपेरिमेंट वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एजुकेशन एडिशन वाला मोड भी ऑन कर देता हूँ। मैंने ये सब कर लिया। मैं जल्दी से इस वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ। ये जगह बहुत बेकार है। मैं जल्दी से एक अच्छी सी लैंड ढूंढ के आपको मिलता हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छी सी लैंड ढूंढनी, बहुत देर के बाद मुझे ये लैंड मिली है। मैं जल्दी से इस लैंड के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने विलेज का टाउन हॉल बनाऊंगा। सबसे पहले हमें टाउन हॉल बनाने के लिए टाउन हॉल की लेंथ हम 20 ब्लॉक एंड विड्थ हम रखेंगे 15 ब्लॉक। 20 ब्लॉक मैंने लगा दिए। अब मैं इस ब्लॉक को काउंट करके 15 ब्लॉक इधर को भी लगा देता हूँ। मैंने 15 ब्लॉक लगा दिए। अब इधर से मुझे 20 ब्लॉक चले जाना है आगे की ओर। मैं 20 ब्लॉक आ चुका हूँ। अब हम थोड़ा आगे का काम देखते हैं। आगे मैं इसमें एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर मैं पिल्लर बनाऊंगा, जो मैं डार्क ओक स्ट्रिप डार्क ओक से बनाऊंगा। मैं पहले एक एक ब्लॉक छोड़ के एक एक ब्लॉक लगा देता हूँ। मैंने लगा तो दिया है मुझे, लेकिन लेंथ को एक ब्लॉक और बढ़ाना पड़ेगा। मैंने ये लगा दिया। अब हम इसको 6 ब्लॉक एक्सपेंड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे में सारे पिलर्स को सिर्फ ब्लॉक एक्सटेंड कर देना है। मैंने इन सारे पिलर को सिर्फ ब्लॉक एक्सपेंड कर दिया है। अब हमें आगे काम करना है। तो हमें एक ब्लॉक और आगे बढ़ा के इसको ऊपर की ओर ब्लॉक लगा देने हैं। हमें पिलर से एक ब्लॉक ऊपर की ओर लगाना है और फिर हमें इधर से इधर इधर को चले जाना है। इतना करने के बाद हमें अब फ्लोर बनाना है। मैं फ्लोर बनाने के लिए ये वाला ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। मैं जल्दी से फ्लोर कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ। मैंने फ्लोर बना लिया है। इसके बाद हमें अब रूफ बनानी है। मैं रूफ बनाने के लिए बर्च वुड का यूज़ करूँगा। मैं जल्दी से इतना ये सब कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ।
मैंने रूफ कंप्लीट कर ली है, अब इसके बाद आगे काम हम करते हैं। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक पोर्टल, बड़ा सा पोर्टल बनाऊँ और उसके आगे एक अच्छा सा फेस बनाऊँ। जैसा कि आपने अगर हीरो प्लान एसएमपी का एपिसोड देखा होगा, जिसमें वहाँ के लोग कोर्ट रूम बनाते हैं, तो उसके पीछे जैसा उन्होंने बनाया, मैं भी यहाँ पे वैसा बनाने का ट्राई करूँगा। मैं जल्दी से पोर्टल बना लेता हूँ। मैं इसको एक्टिवेट कर लिया है, अब इसको मैं डीएक्टिवेट करके इसके बाद आगे का मैं फेस बना देता हूँ। अच्छा, आप देखते जाइए मैं इसको कैसा बनाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मैंने फेस बना के पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम उधर से जाके देखते हैं कि ये फेस कैसा लग रहा है। उससे पहले हम यहाँ थोड़े पिलर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल दिख रहा है तो ये पीछे से थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो हम यहाँ थोड़े पिलर बना के थोड़ा और इसे अच्छा कर देते हैं। मैं इसे ऊपर से एक ब्लॉक नीचे की ओर एक्सटेंड कर देता हूँ और नीचे से एक ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सटेंड कर देता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खतरनाक भी लग रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ थोड़ी लाइटनिंग वाइटनिंग करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। आगे की ओर ये ब्लॉक थोड़े खराब लगे तो मैं इसे तोड़ के चेंज कर देता हूँ। मैं साइड की तरफ गया तो यहाँ से भी
पोर्टल का वो ऑब्सीडियन दिख रहा था, तो ये थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे भी एक पिलर और बना देता हूँ, और ये पीछे से अब और अच्छा लगने लग गया। मैं इधर भी ऐसे एक पिलर और बना देता हूँ। अब ये देखने में पहले से अच्छा भी लग रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये अब कैसा लग रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी लाइटनिंग के लिए भी सी लैंटर्न का यूज़ कर रहे हैं। हम पहले एक चेन लगाते हैं, उसके बाद सी लैंटर्न लगा रहे हैं। तो मैं पहले एक चेन लगा के सी लैंटर्न लगा देता हूँ, आपको दो दो ब्लॉक छोड़ के ऐसे ही लगा देना है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो का गोल हमने अपना पूरा कर लिया है। अगर इस वीडियो को आप अभी भी देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से थैंक्स बोलता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक छोटा सा काम, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।